हाय एवरीवन, जॉर्ज पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी समस्या समाधान मेथड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं पढ़ रहा था हिमांशी मैम के चैनल पे, तो वहां से मुझे मिला। वो क्वेश्चन क्या था, आइए एक बार देख। कई बार आया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम? तो मैं इनके चैनल पे ये पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन तो सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। और काफी आसानी के साथ अगर हम इस बिना थ्योरी जाने कि आखिर पोलिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कहा क्या था, ये चीज़ें होती क्या है, इसको बिना पढ़े भी अगर हम कोशिश करें अपने जनरल कॉन्सेप्ट से, अपने सामान्य बुद्धि विवेक से, तो इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांच करना, योजना क्रियान्वयन करना, लेकिन ना उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो इस मेथड को पढ़ते हैं कि आखिर पोलिया ने क्या कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, उन्होंने क्या कहा था। तो आइए एक बार इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आइए एक बार देखते हैं कि आखिर क्या है पोलियास का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या फिर समस्या समाधान की तकनीक क्या है। तो देखिए, जो जॉर्ज पोलिया थे 1945 के, उन्होंने एक किताब लिखी थी हाउ टू सॉल्व, मतलब कैसे हल करें, और ये अचानक से इट विच बिकम क्विकली मोस्ट प्राइज पब्लिकेशन, काफ़ी अच्छा फेमस हुआ, काफ़ी इनाम भी मिला, और ये मिलियंस में कॉपी इसके बेचे गए, और लगभग 17 भाषाओं में इस किताब को लिखा गया। कौन सी किताब को? हाउ टू सॉल्व। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से यह किताब किसकी है, हाउ टू सॉल्व या फिर कैसे हल करें, तो वो किसकी होगी? ये होगी पॉल्स जॉर्ज पोलिया की, ठीक है। तो चलिए, तो इनमें इन्होंने क्या कहा था, इन दिस बुक ही आइडेंटिफाइज द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या को हल करने के लिए इन्होंने 4 बेसिक स्टेप बताए थे, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे। इसमें पहला क्या है, पहला है द फर्स्ट पोलियास द फर्स्ट प्रिंसिपल इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को समझना। और केवल सीटेट के पर्पज से नहीं, जब भी हम बच्चे को समझाते हैं या पढ़ाते हैं तो हम पहली चीज कोशिश करते हैं कि बच्चे ये समझे कि बच्चे ने कि समस्या समझा या नहीं समझा। वो मैथ सॉल्व कर रहा है तो मैथ में पूछना क्या है, निकालना क्या है, वो समझा कि नहीं समझा। इसीलिए शिक्षक कुछ वाक्यों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डू यू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स, कि आपको पता है कि इसमें सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं उसका शब्द अर्थ पता है आपको, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर यू आस्क टू फाइंड और शो, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। हम बच्चों से ये पूछते हैं, ये चीज़ें क्यों पूछते हैं, ताकि हम ये जानते हैं कि बच्चा समस्या को समझ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से मान लीजिए सीटेट में आपसे ये सवाल पूछता है कि कोई शिक्षिका या कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से पूछती है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है, तो निम्न में से पोलियास के सिद्धांत में कौन से क्रम में आता है या किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपका विकल्प दे दिया, समस्या समझना, समस्या को हल करना, पुनः जाँच करना, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, समस्या को समझना। मान लीजिए कोई शिक्षिका पूछती है कि क्या आपको, बच्चों से पूछती है कि आपको क्या ज्ञात करना है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, समस्या को समझना। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा इसमें प्रिंसिपल्स पोलिया ने कहा था कि योजना तैयार करना। आप क्या करेंगे, एक योजना तैयार करेंगे, बच्चों से कहेंगे चलो ठीक है जो दिया है उसमें हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाना या पैटर्न करना या फिर अलग अलग करना, जैसे कि मान लीजिए दिया है, ज्ञात है या फिर वी नो दैट, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, योजना बनाने के अंतर्गत, कि हाँ हमने ये दिया है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें योजना तैयार करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, समस्या को समझना, दूसरा स्टेप था योजना तैयार करना यानी कि डिवाइज अ प्लान, और इसमें कुछ प्रश्न देख लीजिए, जैसे शिक्षक या शिक्षिका पूछती हैं गेस एंड चेक, मेक एन ऑर्डर लिस्ट, लुक अर पैटर्न, ड्रा पिक्चर, सॉल्व अ सिंपलर प्रॉब्लम, यूज मॉडल, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई, योजना तैयार करना। तो मेन इसमें क्या स्टेप देखिए, पहला क्या था, पहला हमारा था समस्या को समझना, दूसरा है योजना तैयार करना, और तीसरा है बच्चों योजना को क्रियान्वयन करना। अगर हमने योजना प्लान कर लिया फिर हम उसको क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी कहेंगे, इंग्लिश में कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन भी लिखा रहता है। तो तीसरा हमारा है योजना तैयार करना, हमने जो योजना बनाई उसको लागू करना, और नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है पुनः जांचना, ठीक है, लुक बैक, लुक बैक यानी कि पुनः जांचना, हमने जो योजना बनाई उसे हम एक बार जांचेंगे कि बच्चों को वास्तव में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई 4। तो उन्होंने जो 4 प्रिंसिपल्स दिए थे पोलियास ने द प्रॉब्लम सॉल्विंग के, 4 स्टेप दिए थे, उसमें पहला क्या है, समस्या को समझना, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है योजना तैयार करना, और तीसरा है योजना को क्रियान्वयन करना, और चौथा है पुनः जांचना। ओके,
अब आइए एक बार चलते हैं हिमांशी मैम की क्लास में। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न में यही सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पौल्याक के समस्या समाधान मॉडल का अनुसार सही क्रम है। पहला समस्या को समझना, ये तो सही है। दूसरा योजना तैयार करना, ये भी सही है। पुनः जांचना, नहीं ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। पुनः जांचना जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो पहला क्या था, समस्या को समझना, तो समस्या को समझना ये सही है। योजना तैयार करना ये भी सही है। योजना का क्रियान्वित करना ये भी सही है, यानी कि कंप्लीट ये सही है। हालांकि इसमें जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप नहीं दिया है, राइट। फोर्थ स्टेप नहीं दिया है, पुनः जांचना नहीं दिया है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। योजना तैयार करना, समस्या को, नहीं गलत हो गया। पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें समस्या को समझना चाहिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखते हैं, योजना तैयार करना नहीं, पहला हमें क्या चाहिए बच्चों, पहला हमें चाहिए समस्या को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है कि पहले, हालांकि इसमें फोर्थ तो स्टेप नहीं दिया है, समस्या को समझना, योजना तैयार करना और योजना का क्रियान्वयन करना, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ठीक है। पौल्याक के बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं, कुछ और प्रश्न है, आइए एक बार उसको भी देखते हैं, ठीक है, पौल्याक से संबंधित। अब पौल्याक से संबंधित एक और प्रश्न, इन सर को जरा ध्यान से देखिएगा, सर ने एक प्रश्न कराया था, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखिए, सर ने क्या कहा, ओके तो आपने देखा कि सर यहाँ पे एक क्वेश्चन करा रहे थे कि इनमें से कौन सा जॉर्ज पौल्याक के अनुसार संकीर्ण उद्देश्य नहीं है। अब पहले हम ये तो जानते हैं कि संकीर्ण उद्देश्य होता क्या है, या फिर उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये भी देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपसे। तो ये भी एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए, जॉर्ज पौल्याक के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए गणित में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य या प्रकार है, संकीर्णता का लक्ष्य या व्यापक उद्देश्य, ठीक है। मतलब संकीर्ण उद्देश्य या फिर व्यापक उद्देश्य, कई कई बार इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि जॉर्ज पौल्याक ने कितने उद्देश्य यहाँ पे दिया है गणित शिक्षण के बारे में बात करें तो क्या केवल संकीर्णता दिया, व्यापक दिया, तो आपका विकल्प एक और दो दोनों, केवल एक और केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, ना ही ना तो मैं ना ही, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आखिर जॉर्ज पौल्याक ने कितने कितने प्रकार बताए हैं, कितने उद्देश्य बताए हैं स्कूली शिक्षा के। आप अगर आप देखेंगे तो जॉर्ज पौल्याक के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए गणित में दो तरह के उद्देश्य, पहला कौन सा संकीर्ण उद्देश्य और दूसरा कौन सा व्यापक उद्देश्य, ठीक है। तो ये प्रश्न भी कभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जॉर्ज पौल्याक के अनुसार मैथ शिक्षक में, गणित शिक्षण में, मैथड ऑफ टीचिंग में कितने उद्देश्य होने चाहिए, संकीर्ण उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य, यानी कि दो प्रकार के उद्देश्य। अच्छा, आज से ये भी पूछा जा सकता है कि पौल्याक ने गणित शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए, तो दो बताए, ठीक है, या फिर किसने गणित शिक्षण को दो उद्देश्यों में बांटा, तो जॉर्ज पौल्याक ने बांटा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए, संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है और व्यापक उद्देश्य क्या होता है, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। तो इनके अनुसार जो संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे मान लीजिए निम्न की बात की जाती है, जो बच्चा अभी जस्ट क्लास में एंटर कर रहा है, ठीक है, तीन थर्ड क्लास से पहले का बच्चा, जो जो नए बच्चे होते हैं क्लास LKG UKG या 1 2 3 की बात की जा रही है, तीन से पहले की, वो जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैथ पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो आते ही धड़ाम से पूरा मैथ सॉल्व करने लगे, या फिर आके मैथ्स के नंबर थ्योरी याद करने लगे, या मैथ नहीं, बिल्कुल हमारा निम्न उद्देश्य, जैसे आपने लेसन प्लान में एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य लिखा था, तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य क्या होता है छोटे बच्चों के लिए, कि सबसे पहले कि गणित सीखने में छात्र को एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, कैसे शुरू करना है, विषय की मौलिक अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के बारे में गणित सीखने के लिए प्यार और विश्वास और रुचि पैदा करने के लिए, कि बच्चों के अंदर एक रुचि पैदा हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा आत्मविश्वास हो कि हाँ हम गणित पढ़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना वो गणित सटीकता के लिए प्रशंसा विकसित करना, मतलब बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की बात की जा रही है, उन्हें अनेक वर्तमान के साथ साथ भविष्य के जीवन के साथ गणित के संबंध में परिचित कराना, मतलब कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना इसमें काम आने वाला है, भविष्य के जानकारी को परिचित कराना, गणित में सौंदर्य सास दिखाना, मतलब ये बता रहा है कि गणित बहुत प्यारा है। मैथ पढ़ाने का बेसिक लेवल की बात की जा रही है बच्चों, मतलब स्कूल के बेसिक लेवल के, क्लास LKG UKG या 1 2, तो इनके बच्चों को मैथ आप इसीलिए पढ़ाएंगे ना, नॉर्मल चीज़ों के लिए, उनमें विकसित होने के लिए नियमता, अभ्यास, धैर्य, आत्मनिर्भरता, कड़ी मेहनत जैसी आदत बनाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो सॉल्व करनी, उनको एक कड़ी मेहनत की आदत लगे, अन्य विषयों में गणित लागू करने के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना, उन्हें गणितीय भाषा और प्रतीकवाद से परिचित कराना, और उच्च कक्षाओं के गणित के लिए उन्हें तैयार करना, गणितीय प्रदर्शन के लिए उन्हें तैयार करना, ये हो गया इसका संकीर्ण मतलब प्राइमरी मतलब वेरी बेसिक उद्देश्य। अगर हम
विशिष्ट उद्देश्य की बात करें, इसकी अगर हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या हो गया बच्चों, वो देख लेते हैं। इसके विशिष्ट उद्देश्य की बात करें या फिर उच्च उद्देश्य की बात करें, निम्न और उच्च की बात करें, तो समस्या का सुलझाना। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो वह समस्या को सुलझाएगा। उत्तराधिकारों का उपयोग करना, मतलब जो भी फॉर्मूले उसने सीखे हैं उसका उपयोग करेगा। अनुमान लगाना, ठीक है, अनुकूलन मतलब कॉपी करना, देखना, समझना, लिखना। पैटर्न का उपयोग करना, दृश्य, प्रतिनिधित्व, तर्क और प्रमाण सिद्ध करना, ठीक है, कि हाँ इस तर्क से। तो ये थोड़ा सा बड़े लेवल की बात हो गई। चलिए, संबंध बनाना, ठीक है, कि इसमें क्या संबंध है। सौंदर्य बोध को विकसित करने, साहित्य, गणितीय संचार, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, उच्च उद्देश्य के अंदर। तो सर का जो प्रश्न था, अब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा निम्न में से कौन सा जॉर्ज पोलिया के अनुसार संकीर्ण उद्देश्य, मतलब निम्न की बात की जा रही, ठीक है, जो पहला लेवल था। तो पहले लेवल में आसान आसान से चीजें थी, समस्या को सुलझाना। बच्चों समस्या को सुलझाना तो ये तो उच्च उद्देश्य में आ गया बच्चों, ये तो व्यापक उद्देश्य में आ गया। पैटर्न का उपयोग भी तो उच्च उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य में आ गया। संबंध बनाना भी तो उच्च उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य में आ गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं, क्योंकि इसका जवाब सही जवाब हो गया कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा संकीर्ण उद्देश्य, संकीर्ण मतलब पहला वाला पूछ रहा था, और ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे उच्च उद्देश्य है, ठीक है, तो हमें ये सही, ये इसका जवाब होगा कोई नहीं। चलो, तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे खत्म हुआ। तो बच्चों अगर आप इस प्रश्न पे चर्चा करें, चले आप तो आसानी से कर सकते हैं ना इसमें, जैसे कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण है, यह चरण नीचे एक क्रमबद्ध में सूची किए गए हैं। 1, योजना तैयार करना, 2, योजना को क्रियान्वयन करना, समस्या को समझना और पुनः जाँच सत्यापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, और आपके कुछ इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। तो अब आइए देख लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या है बच्चों, सबसे पहला चाहिए कि समस्या को समझना, यानी कि सी। दूसरा क्या है, समझने के बाद क्या करना है, योजना तैयार करना या योजना बनाना, यानी कि विकल्प नंबर ए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है योजना का क्रियान्वयन करना, यानी कि विकल्प नंबर बी, और सबसे अंतिम में डी, यानी कि सी ए बी डी लास्ट वाला डी, ठीक है। तो सी ए बी डी विकल्प सही होगा। सी ए बी डी का है, सी ए बी डी, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलो, इस वीडियो में इतना ही। देखो, माना कि ये बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन जब हम एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, वो आत्मविश्वास आता है कि चलो हाँ, ये चीजें हमने पढ़ी है और हम ये चीजें कर लेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चों, जब भी किसी मनोवैज्ञानिक या किसी गणितज्ञ का नाम दिया जाता है तो हम घबरा जाते हैं। जैसे जॉर्ज पोलिया अगर आ गया तो हम घबरा जाएंगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत आसान है, हम सब कर लेंगे। ओके, चलो, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।